आज 21 जून 2023 योग दिवस पर सभी स्वस्थ होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आपको सीधे ले चल रहा हूं उत्तरी भारत, उत्तर प्रदेश, जहां पर इस वक्त बारिश हल्की फुल्की हो रही है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या सुल्तानपुर के आसपास पहले करें या तुलना करें तो भीषण गर्मी, तेज धूप होने से लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। वहीं पर बिजली भी रिमझिम के साथ लोगों आँख मिचौली दिखा रही थी, लेकिन अब मौसम थोड़ी सी करवट लिया है। थोड़ी ठंडकपन तो दिखाई दे रही है, लेकिन कभी धूप तो कभी बारिश थोड़ी थोड़ी हो जाती है, या यदि अधिक बारिश ना हुआ तो लगभग तय है कि बीमारियां और बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से तेज गर्मी, तेज धूप और या फिर थोड़ी सी हल्की सी बारिश या बहुत बड़ा नुकसानदायक और या मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा बीमारी घातक है। तो आज जिस तरह से सुबह, कल भी बारिश हुआ और आज भी जो है 10-11 बजे के लगभग में बारिश हुआ। आज 21 जून 2023 है और बारिश लगभग 11-12 बजे के उपरांत में या बारिश हुई, लेकिन ज़्यादा नहीं, हल्की हुई। प्राकृतिक का या जो है थोड़ी थोड़ी बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन अब पृथ्वी से उमस जैसे गर्मियां अब तेज हो गई है। पिछले एक दिनों में बारिश हो रही है और गर्मी तेज और धूप जिस तरह से या दोनों बदलता रहता है, या जो है बहुत बड़ा मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा बीमारी का घर बन सकता है। इसलिए मौसम जो आ रहा है या जो है तेज धूप की वजह से और अधिक बारिश नहीं हुई तो सभी लोगों को या बीमार कर सकता है। हल्की हल्की बारिश और उमस होना मौसम आने का जो आप असर देख रहे हैं या बिल्कुल सही दिशा में नहीं जा रही है। समय समय पर तेज बारिश और तेज धूप और रिमझिम के साथ जिस तरह से आप देखते हैं या बहुत बड़ा हल्की फुल्की बारिश गर्मी में मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है, जैसा कि कई बीमारियां आपके यहां दस्तक दे सकता है, जैसे हैजा, दस्त और बीमारी। कई बीमारियों से होने वाले कई ऐसे रोग आपको पैदा कर सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार और राज्यों की सरकार और भारत सरकार, सभी लोग जो है या अलर्ट पर रहना चाहिए कि किसी तरह से महामारी जैसी बीमारी ना आए और या आने के लिए तैयारियां जोर शोर के साथ होनी चाहिए। इसके लिए पहले से ही तैयारियां जो है सभी सरकार को कर लेनी चाहिए। और जिस तरह से बारिश में अनेक परिवर्तन देखने को मिलता है कि धूप, उमस, अनेक ऐसे बदलाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। पहले तो खूब तेज़ी के साथ भीषण गर्मी पड़ा, उसके बाद धूप अधिक पड़ी, लोग सहने माफी नहीं था, लोग दोपहर और शाम सुबह निकल नहीं सकते थे, इस तरह से गर्मी और धूप भीषण गर्मी पड़ रही थी। लेकिन अब थोड़ा छांव और थोड़ा से राहत भरा यह मौसम दिखाई दी तो वहीं पर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, यानी कि बस वही बारिश हो रही है जैसे आग में हल्की सी पानी डाल दो, वैसे यह बारिश हो रही है। अब जो है पृथ्वी तपन पर है तो जो है अब लोगों को यह काफ़ी उमस का सहारा बन गया है। लोग इसे अब उमस, अब घर में उमस, बाहर उमस, अनेक जगह उमस का या बीमारी सा बना हुआ है। तो बारिश यदि तेज़ी से हो जाए तो सारी उमस पृथ्वी की निकल जाएगी और ठंडकपन आएगा। तो सभी देशवासियों से और विश्व समुदाय के लोगों से अपील है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और नींबू पानी, अनेक चीज़ों का इस्तेमाल करते रहें। फिर मिलते हैं, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।